दोस्तों आइए अपने आप को तन्हा करके देखते हैं, हम भी आज तमाशा करके देखते हैं। उसके नाम के साथ जुड़े हैं न जाने कितने नाम, आइए उसके नाम का चर्चा करके देखते हैं। हमारे बीच एक बहुत ही मारूफ, बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है, जो शांति कुंज हरिद्वार से तशरीफ लाए हैं। मैं उनको माइक पे आवाज देना चाहूंगा, दावते सुखन देना चाहूंगा, दावते कलाम देना चाहूंगा, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ, इस शेर के साथ, जैसा कि यही शेर मैंने पिछली बार भी आपके लिए कहा था, और जितनी बार आएंगे इंशाल्लाह मैं यही शेर इनके लिए इस्तेमाल करूंगा कि किसी से हो ना सका इनके कद का अंदाजा, किसी से हो न सका इनके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुकाए रहते हैं। सर डाइस पे तशरीफ लाएं और आप लोगों से रूबरू। बोले भारत माता की, गायत्री महामंत्र जिनको याद हो साथ साथ बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। शक्ति स्वरूप बहनों, तुम देवतुल्य हमारे आत्मीय बंधु, बड़ी खुशी होती है आपको देख के ऐसे मौके पर। अभी भी कुछ लोग हैं जो शांति चाहते हैं, जबकि सारी दुनिया की हवा ने इतना परेशान कर दिया है लोगों को कि वो सब अशांत है। सब आदमी अपने को कोई महफूज नहीं मान रहा है। ये तो कहो, मैं बगल में बैठा था महफूज रहमान के साथ, मुझे लगता था मैं महफूज हूं कम से कम। मुझे अच्छा लगा और एक अच्छे वक्त पर, जब जरूरत है सारी दुनिया को इस समय ठीक से दिशा बोध की, ठीक से देखने की, उस समय हम लोग मौजूद हैं। फिर से एक बार जिंदगी के नए अध्याय के नए पन्नों को खोलने की जरूरत है। धर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी धर्म बोलो तो लोगों को लगता है क्या है। कुछ लोगों को तो लगता है ये मूर्खों का है, कुछ लोगों को लगता है ये चालाकों का है, ये नहीं लगता कि ये आदमियों का है। ऐसी स्थिति बन गई है। इतनी खबरें, इतने पेपर, सब पढ़िए देखिए। मजबूत नहीं है जो लोग, वो पीले कपड़े उतार देंगे राम रहीम के कारण, आशाराम के कारण, रामपाल के कारण। जो मजबूत नहीं है, लेकिन सच तो सच रहता है, वो होगा। धर्म एक ऐसी चीज है जिसे हम सबके लिए आवश्यकता है। जैसे हर बीज तब सार्थक होता है जब वो पौधा बने, अगर पौधा न बने तो वो बीज व्यर्थ जाता है। पौधा बनने के लिए है। स्त्री इसलिए पूजनीय है कि वो मां बनती है, उसमें से एक दूसरी जान निकल के आती है, इसलिए वो पूजनीय है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हजरत जिसको भी बोल रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उन्होंने भी कहा है सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह के बाद कहा मां। तीन बार मां कहने के बाद फिर पूछा, उसके बाद तो कहा पिता, बाप। मां बहुत कीमती है। क्यों कीमती है? कि वो एक अपनी जान में से एक नई जान तैयार करके डाले, इसलिए वो कीमती है। और हम सब जो भी भाई बहन यहां मौजूद हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, वो सब बीज हैं, फूटे नहीं अभी, उगना चाहिए। इसमें परमात्मा उगना चाहिए, पैदा होना चाहिए। इस अंडे में से बच्चा पैदा होना चाहिए। अंडे को तो पैदा कर दिया किसी मां ने, इसमें हमारा आपका क्या लगा? हम लोग तो आ गए, हमारा आपका कुछ नहीं लगा। लेकिन अगर अंडे में से बच्चा पैदा हो तो लगेगा।
फिर अपने भीतर से कुछ कशमकश करना पड़ेगा, ऊपर का जाल कवर तोड़ना पड़ेगा, और अगर कवर नहीं टूटा तो व्यर्थ गए। और इसी में ये गुंजाइश है, ये इस शरीर अशरफुल मखलूकात जिसको हम कहते हैं महाभारत, महाभारत कहती है नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही कश्चित, मनुष्य से श्रेष्ठ और यहां कुछ भी नहीं, सबसे अच्छी चीज हो तुम। लेकिन तब जब इसकी कीमत समझो तब इसलिए मूल्यवान हो, इसमें से तुम्हारा जन्म हो सकता अभी हुआ नहीं है, इस धोखे में मत रहना कि हम पैदा हो गए, अभी गर्भों में जी रहे हो, संदर्भों में जी रहे हो, अभी जी पैदा ही नहीं हुए। जन्म जब कभी होता है मशक्कत करनी पड़ती है, ऊपर के कवर को तोड़ना पड़ता है, और हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नाम तो लेते हैं उनका जिन्होंने तोड़ा है, जय जयकार करते हैं उनकी जिन्होंने तोड़ा है वो कवर, राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु ईसा मसीह का नाम, भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, हजरत मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं, इब्राहिम का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं, उन्होंने तोड़ा है कवर इसलिए लेते हैं, और हमने तोड़ा नहीं है, खुश हुए हैं देखते कि किसी ने तोड़ा। और मेरे भाई बहनों बहुत सच जरा समझने की कोशिश करना है तो सच समझोगे ही, आज नहीं तो कल। जिस माँ के बच्चे होते हैं उसका बच्चा होता है, जिस माँ में से जन्म होता है उसका बेटा होता है, और ऐसे जन्म नहीं होता है, 9 महीने 1-1 दिन उसको पेट में पालना होता है, खाना पानी बिगड़ जाता है, भूख प्यास पे फर्क पड़ता है, और चीख चिल्लाहट होती है, जान खतरे में लगती है, तब जाके जन्म होता है, तब वो बेटा हुआ, और नहीं तो बांझ। और वो कहे नहीं हमने भी गोद ले लिया है, गोद लेने से तुमको धोखा हो सकता है, बच्चे का बच्चा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आज जरूरत है, धर्म हमको तैयार करता है इस बात के लिए कि हम में से भी बच्चा पैदा हो तो सीखना ना पड़े। माँ का पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या बच्चा होने के लिए? किसी माँ का बच्चा होने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी तो नहीं है, और पढ़े लिखे को अगर गर्भ ना हो तो बच्चा नहीं हो सकता, वो तो होगा, हमने सुना है, क्योंकि उर्दू नहीं पढ़ पाता हूं, अरबी पढ़ नहीं पाता हूं, सुनता हूं अच्छा लगता है, कई बार मैंने सुना पहली बार पहाड़ पर जब मोहम्मद साहब को पहली आयत उतरी, पहली आयत जिस दिन उतरी तो शरीर आग हो गया, बुखार चढ़ गया, लगा कि पागल हो गया हूं। उतर के घर में आए, पत्नी से बोले मुझे कुछ हो गया है, और मुझे ही नहीं पता है क्या हो गया है, और कुछ हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है। पत्नी ने हाथ छुआ तो आग जैसा जल रहा था, कहा कहना मत किसी से नहीं बड़ी बदनामी होगी, ये आवाज उतरी है, पहली आयत उतरी थी। पत्नी ने कहा कुछ हुआ नहीं है, घबराओ नहीं वही उतरा है, घबराओ नहीं वही उतरा है, और आज तुम्हारे चेहरे की रौनक कुछ बदली हुई नजर आती है, वो वही उतरा है, चिंता न करो। उन्होंने कहा नहीं कहना मत किसी से बड़ी बदनामी होगी, ऐसे उतरी थी आयत। और कुछ कुछ दिन बाद जैसे एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होता है, ऐसे बरसों में एक एक आयत उतरती चली गई, तो कुरान शरीफ उतरी। और हमने कुरान शरीफ को गोद में ले लिया तो क्या हमारी है कुरान शरीफ? जिनके भीतर उतरी है, जिनकी है उनकी है, हमने गोद लिया, बच्चा है गोद में लिया है, गीता गोद में लिया है, उतरी कहां है? कृष्ण की गीता तुम पर, कृष्ण की गीता कृष्ण पे अर्जुन के साथ उतरी, ना हम वो सुन पाते हैं, ना हम कह पाते हैं, बोल पाते हैं, मुर्दा गीता। अब पढ़ो तुम खुद ही अर्थ करोगे, बेचारी गीता ये भी नहीं कहेगी कि ये गलत अर्थ है, तुम जो चाहो सो कर लो,
तुम ही अर्थ करोगे, तुम ही पढ़ोगे। असली कहां उतरी है? गोद ली हुई गीता काम नहीं आएगी, गोद लिया हुआ धम्मपद काम नहीं आएगा। वो तो बुद्ध से पूछो, भगवान बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र। अगर ध्यान से सुनना, अगर किताबों से शास्त्रों से मिलता होता तो क्या भगवान बुद्ध के पास शास्त्रों की कमी थी? अंबार लग गए थे। अगर पंडितों से मिलता होता तो हाथ जोड़े लाइन खड़ी थी, कतार लगी थी, उससे न लेते, महल की सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ा, कच्ची जिंदगी में उतरना पड़ा, और तब जाके खुद में जो बोध हुआ वो बुद्ध। तुम कहोगे हम धम्मपद पढ़ के, अरे कितने उनके जाने के बाद कितने वर्ष बाद तो धम्मपद बना, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं, कहा भी नहीं, उससे तुम सोचो हम याद है गीता, हम कंठस्थ है, हम तो बहुत बड़े पंडित है, झूठ है, कुछ नहीं याद है, आया ही नहीं। मेरे भाइयों, ये रास्ता तो बड़ा अच्छा है और आपके लायक है, आपकी गरिमा के प्रतिभा के अनुकूल है, चलना चाहिए। महाशांति के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। ये बहिर्मुखता, बहिर्मुखता हमको तोड़ती है, ध्यान रखना। बहिर्मुखता माने समझते हो? बहिर्मुखता माने बाहर की चीजों से जब हम अपने आप को सजाते हैं कि धन हो गया तो हम कुछ बढ़ गई आत्मा, कोई पद मिल गया तो आत्मा बढ़ गई हमारी, कुछ डिग्री मिल गई तो हमारी आत्मा बढ़ गई। ये झूठी है डिग्रियां, ये पद, इनसे आत्मा नहीं बढ़ती। पदार्थ से इकट्ठा करने से अगर आत्मा बढ़ती होती तो सब पदार्थ तो बुद्ध को घर छोड़ के जाना पड़ता। कुछ कमी थी? कोई कमी थी भगवान बुद्ध के? सब तो था। कभी कोई खराब शक्ल सामने नहीं पड़ने दी गई, कभी कोई वो घटना नहीं दिखाई गई बच्चे को कि एक बच्चा है जरा, लेकिन दिख गई है अचानक तो समझ में आया सच क्या है। और हमारे तो विचारकों ने कहा है अगर 21 साल तक किसी को धर्म की शिक्षा न दी जाए, विचारकों ने कहा है कि जैसे 14 साल के बाद सेक्स अपने आप पैदा हो जाता है आदमी में, काम वासना पैदा हो जाती है, वैसे 21 साल अगर पढ़ाया ना जाए, खाली छोड़ दिया जाए आदमी को, तो असली धर्म पैदा हो जाएगा। वो सोचेगा हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, इसके बाद क्या है, उसके अपने सवाल होंगे। अभी तो उसके सवाल पैदा ही नहीं हुए, हमने उत्तर देना शुरू कर दिया। जिसके सवाल ही न पैदा हुए और उत्तर उत्तर पुस्तिका में तो लिखे ही हैं, वो उसके अपने उत्तर न होंगे जब तक उसका अपना सवाल न होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत कीमती क्षण है आज शांति के लिए। जैसे एक पौधा होता है पेड़, पेड़ में पत्तियों की तरफ से अलग अलग हो जाओगे, लेकिन अंदर मुंह करके वापस चलो जड़ की तरफ तो लगेगा पूरा पेड़ हमारा है, ये पत्तियां हमारी हैं, ये डालें हमारी हैं, ये फूल हमारे हैं, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और जब डालों से होके पत्तियों पे चले जाओगे तो एक पत्ती पीली होके गिरेगी तो तुमको बहुत दुख नहीं होगा, और अगर जड़ के पास चले जाओगे तो कोई भी पत्ती गिरेगी तो तुमको दुख होगा। इसलिए अंतर्मुखी माने भीतर की तरफ लौटो, अपनी ओर लौटो। मेरे भाई बहनों, धर्म बहुत कीमती। मैंने सुना कि एक कुम्हार था, मिट्टी ढो रहा था गधे पर, गधे के गले में हीरा बंधा हुआ था। एक जौहरी निकला, उसने देखा गधे के गले में हीरा, उसने कुम्हार से कहा क्यों ये पत्थर बेचेगा? कुमार ने कहा बेच लेंगे। कहा कितने पैसे लेगा? कहा 8 आने लेंगे, 8 आने। तो उसके मन में लालच आ गया, उसने सोचा इसको पता नहीं है 8 आने से 4 आने में भी दे सकता है। तो उसने कहा 8 आने तो बहुत है, पत्थर है, क्या करेगा, 4 आने का दे दे। बार्गेनिंग हुई, बातचीत हुई, भावताव हुआ, 6 आने पे वो आया। लेकिन वो जौहरी तब भी राजी नहीं हुआ, सोचा ये करेगा क्या, थोड़ी दूर जाएंगे अपने आप ही आके बेच जाएगा, तो चला गया। थोड़ी देर बाद जब लौटता है, फिर लौटा नहीं आया, वो कुमार भी नहीं आया, सोचा फिर वापस आया, जौहरी के मन में तो तड़प। वो आया, देखा तो वो हीरा नहीं था। कहा क्या हो गया? कहा बेच लिया। कहा कितने का बेचा? कहा 1 रुपए का बेचा, 8 आने का बेचता तो बड़ा घाटा हो जाता, 6 आने का बेचता बड़ा घाटा हो जाता, 1 रुपए का बेचा पूरा।
जौहरी के छाती पे कैसा दुख हुआ होगा सदमा। जौहरी ने कहा, अरे गधा तू पूरा गधा है, लाखों का हीरा एक रुपए में बेच दिया। तो उस कुमार ने कहा, हजूर मैं अगर गधा न होता तो गधे के गले में हीरा क्यों बांधता, लेकिन आपको क्या कहूं, आपको क्या कहूं। जो नहीं जानते हैं धर्म को, वो अगर चार आने में छह आने में बेचे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस जानते हो धर्म और वो उसका भावताव करें तो मुश्किल है। ये धर्म ऐसी चीज है, अगर तुम जान गए हो तो रुक नहीं पाओगे। सुकरात ने कहा, ज्ञान चरित्र बनता है। सुकरात ने कहा है, ज्ञान ही चरित्र बनता है। तुम जान जाओ किसी चीज को तो बिना बदले रह नहीं सकोगे, आचरण में आएगा ही, या तो जाने नहीं हो, जानने में कहीं कमी रह गई है। अगर जानने में कमी नहीं हुई तो जानना पर्याप्त है, आप बदल जाओगे। लेकिन अभी हमने जाना नहीं उसकी मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। सबको बराबर मिला हुआ है, यहाँ किसी को कम ज्यादा ऊपर वाले ने नहीं दिया। शरीर दिया है हम सबको, उसमें कुछ ताकत भी दी है, कम ज्यादा सभी के पास होगी। बुद्धि भी है सबके पास और दिल भी है सभी के पास। ये तीन चीजें हैं बराबर दी। 24 घंटे का वक्त भी सभी के पास है, कम ज्यादा नहीं है। एक सूरज निकलता है, अगले दिन सूरज निकलने तक हम सब भाई बहनों के पास बराबर बराबर मिला हुआ है। शांति का सूत्र क्या है? आज शांति सम्मेलन में हूं, जरूरत है आज इसकी। हम करीब आए, जड़ों की ओर चलें तो करीब आए, पत्तों की ओर चलेंगे तो करीब कैसे आएंगे। बड़ा दुख भी हुआ, दर्द भी हुआ, बचपन मुझे भी याद है। हमारे गांव में जब कोई मुसलमान मरता था, हम सब लोग साथ में जाते थे जनाजे के वहां तक। हमारे यहाँ कोई हिंदू मरता था तो अभी भी जाते हैं, कम जाते हैं, तब ज्यादा लोग जाते थे साथ में। एक वक्त था उनके यहाँ किताब होती थी तो हम लोग सुनने जाते थे, रात में बताशा लेके लौटते थे। हमारे यहाँ कोई कथा होती थी तो वो भी आते, अभी भी आते हैं मगर कम आते। कुछ बात हो गई, नहीं तो बड़ा मेल था। जो दो चार बातें मैंने सुनी उसी समय की सुनी, बचपन जो मैंने सुना उन लोगों से समझा, अच्छा लगा वो बातें। संतों ने कहा है, शांति का सूत्र दिया है, एक छोटा सा फार्मूला। जो बल हम सबको मिला हुआ है, अगर उसका सदुपयोग करेंगे तो शांति मिलेगी। एक छोटा सा, जो बल चाहे कम ज्यादा, हम सबको जितना भी ताकत मिली हुई है, बल मिला हुआ है, उस बल का दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करोगे तो शांति मिलेगी भीतर से आएगी। और वो शांति भीतर से आएगी तो चुप नहीं रह पाओगे। फूल महकेगा ना, खिलेगा तो खुशबू फैलेगी, तुम रोक नहीं पाओगे, और पास पड़ोस जो भी होंगे वो खुशबू सब तक पहुंचेगी। खिलना तो चाहिए। दुर्भाग्य आ गया उस दिन से जिस दिन से इस आदमी का पौधा खिलना बंद हो गया। एक जमाना था एक पौधा भी सबसे सुंदर हसीन पौधा अगर कोई है आदमी का है, इसमें भी हरे पत्ते आते हैं, इसमें भी फूल आते हैं, इसकी जब खुशबू निकलती है तो देवता जिनको कहते हैं, वो देवता यहाँ भौरे और तितली की तरह सैर करने आते हैं इस खुशबू से मुअत्तर होकर। ये खुशबू ऐसी होती है, इंसानी खुशबू महकता है जब भीतर से दिल किसी का, तो उसमें देवी देवता चले आते हैं घूमने सैर करने पिकनिक मनाने। यहाँ इस जमीन पर ये स्वर्ग से अच्छी है। स्वर्ग पता नहीं है कि नहीं है, कल्पना है भूखे लोगों की। भूखे रहो तो सपने में देखते हो अच्छे होटल में खाना खा रहे हैं, जिंदगी में तो कुछ मिला नहीं, सोचते हो मरने के बाद वहाँ कल्प वृक्ष होंगे, वहाँ अप्सराएं होंगी, वहाँ होरे गुलमाएं होंगी। यहाँ तो मिला नहीं कुछ, यहाँ दुख झेल लो, चलो उसी आशा में यहाँ दुख झेल लो, उम्मीद में, पता नहीं है भी कि नहीं। अगर है कुछ, ये सुख और दुख ये दोनों परछाई की तरह एक दूसरे के साथ छोड़ते नहीं। दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख होगा। एक आदमी रास्ते में बैठा उदास परेशान, एक महोदय जा रहे थे, उन्होंने पूछा, भैया दुखी हो क्या, सिर दर्द हो रहा है? कहा नहीं सिर दर्द नहीं हो रहा है। तो कहा पेट दर्द हो रहा है, क्यों उदास हो? तो कहा पेट दर्द भी नहीं हो रहा है। तो आखिर बात क्या है, क्या हो रहा है, बहुत उदास हो? कहा ये जूता पांव काट रहा है, जूता काट रहा है पांव, इसलिए उदास। तो कहा तो जूता निकाल दो, बदल दो।
तो उन्होंने कहा जूता नहीं बदल दूंगा, जूता नहीं बदलूंगा। कहा क्यों, काटता है तो? कहा यही तो सुख देता है, जब शाम को जाता हूँ दिन भर काटता है, रात को निकाल देता हूँ तो सुख मिलता है। तो दुख और सुख ही साथ साथ हैं, दिन भर काटता है तुम छोड़ भी नहीं सकते, कटवाते भी हो और फिर शाम को कहते हो अब जरा तसल्ली हुई। तो दुख और सुख दोनों के पार जाओ, आनंद जिसको कहते हैं। और आनंद के पार जाने के लिए जाना नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम हो। हमारे कहा गया सनातन धर्म में सच्चिदानंद, तुम सत्य हो, सच हो, आनंद भी हो, तुम ही हो। एक मूर्तिकार पत्थर की एक मूर्ति बना रहा था, छेनी हथौड़ी से मेहनत करके बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। लोग आने लगे तारीफ करने, बड़ी सुंदर मूर्ति, बोलती हुई मूर्ति, कैसी सुंदर मूर्ति बनाई तुमने, गजब हो तुम, बहुत बहुत तुम अच्छे शिल्पी हो। तो उसने कहा मैंने बनाई नहीं है। तो कहा तो फिर किसने बनाया है? कहा ये मूर्ति इस पत्थर में थी, कुछ ज्यादा पत्थर लगा था इधर उधर, वो हमने हटा भर दिया है, मूर्ति तो इसमें मौजूद। मेरे भाइयों बहनों, तुम लोग अच्छी मूर्ति हो, कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा हटाने की जरूरत है, इधर उधर पत्थर जम गया है। आनंद तो भीतर से फूट पड़ेगा, बहेगा आनंद, स्वभाव है, तुम स्वभाव नहीं छोड़ पाओगे, वो है। सुख और दुख इन दोनों के पार, स्वर्ग और नर्क इन दोनों के पार, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ये हमारा बहुत बड़ा विकास है, वहां तक पहुंचना। और वो सारी सामग्री मेरे भैया बहनों सबके पास है, जाना चाहिए। मैं तो धर्म की कीमत बता रहा हूं आपको, अगर धर्म आ जाए हम में से सभी को तो सभी चेहरों पे मुस्कान होगी, उदास नहीं हो सकते। धर्म और उदासी नहीं हो, धर्म और गरीबी हो नहीं सकते। धर्म की पहचान है कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जानी चाहिए। धर्म तुमको कमजोर भयभीत नहीं करेगा, धर्म होगा तो भय खत्म हो जाना चाहिए। धर्म नहीं है तो कहीं भय है, धर्म होगा तो भय कैसे रहेगा। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है धर्म के लक्षण बताएं, धर्म होगा तो क्या होगा। बड़ा सुंदर मुझे लगा तो मुझे याद हो गई वो चौपाई, उन्होंने कहा था जिम सरिता सागर पह जाहीं, जिम सरिता सागर पह जाहीं, यद्यपि ताहि कामना नाहीं। तिम उसी तरह जैसे नदियां बिनाए बिना बुलाए समुद्र के पास दौड़ती जाती हैं, यद्यपि उसे कोई इच्छा नहीं है समुद्र की फिर भी जाती हैं, वैसे ही तिम सुख संपत्ति, दोनों चीजें सुख भी और संपत्ति भी, तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पहचान सुहाए। अगर हम धार्मिक हैं तो सुख और संपत्ति हमारे पास बह के आना चाहिए जैसे नदियां बह के जाती, वो इसीलिए बनी है, इस जमीन में ही रहती हैं, जमीन से बाहर संपत्ति नहीं जाती, वो यहाँ से वहां डोलती रहती है, यहाँ से वहां घूमती रहती है, आज यहाँ कल वहां, रुकती नहीं है। लेकिन अगर तुम धर्मशील हो तो तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा, पास रहेगा। एक फकीर एक राजा के यहाँ गया, देखा वो राजा बड़ा मस्त है, सोने का पिगदान रखा है, पान खा के उस पिगदान में थूक रहा है। फकीर गया और फकीर ने कहा मारा उस पिगदान को लात और कहा ससुरी इतने दिन से खोज रहा हूं तब तू नहीं मिले, यहां थुकवाती है। तो राजा ने कहा, हंसा और कहा यही मेरी भी हालत थी तुम्हारी जैसी, लेकिन जब से मैं जान गया तब से अब मेरा पीछा ये नहीं छोड़ती है, क्योंकि हम अपने धर्म, हम अपने कर्तव्य, धर्म का परिभाषा समझ लीजिए। धर्म में बड़ा क्या करें कहना पड़ रहा है आज। धर्म की परिभाषा है व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वाह को धर्म कहते हैं। हमारा अपना निजी कर्तव्य क्या है, हम बेटे हैं तो बाप के प्रति, माँ के प्रति, बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति क्या कर्तव्य है, हम भाई हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, बाप है तो क्या कर्तव्य है, बहन है तो क्या कर्तव्य है, माँ है तो क्या कर्तव्य है, बीबी है तो क्या कर्तव्य है। जहां तुम खड़े हो वहां से तुम्हारे सामने तुम्हारे कर्तव्यों का रास्ता खड़ा है, एक एक पांव बढ़ाओ आगे बढ़ते चले जाओ, उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन ये जानोगे कैसे, बस थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करेंगे, ये जानोगे कैसे ये कर्तव्य क्या है, किताब में पढ़ेंगे भूल जाओगे, भटक जाओगे, झूठ होगा, नकली होगा, उसमें पढ़ने से नहीं होगा। फिर कैसे होगा,
कर्तव्य कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने शुरू में गायत्री मंत्र बुलवाया है आपको। गायत्री मंत्र में चार बातें कही गई हैं, जिसमें तीन बातें काम की हैं, चौथी बातें तो डिग्री है। तीन काम की कौन कौन? एक तो ओम भूर्भुवस्वः, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अकेला परमात्मा ही है सब रूपों में खड़ा हुआ हमारे चारों तरफ, दूसरा कोई नहीं है, दूसरे किसी का वजूद नहीं है, अकेला परमात्मा दो नहीं है। जब तक दो दिखाई पड़ते हैं तब तक आंख धोखा खा रही है। आंखें हमारी दो जरूर हैं, चाहे हमारी हिंदू की आंख हो चाहे मुसलमान की आंख हो, और दो आंखें हैं तो मुसलमानों की, लेकिन इन दोनों आंखों में से कोई तीसरा देखता है, आंखें नहीं देखती। ये कहीं चक्कर में मत रहना कि दो आंखें हैं तो आंखें देखती हैं, एक तीसरी चीज है जो देखती है आंखों के रास्ते से। तो हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखें हैं और इन दो आंखों से कोई तीसरा देख रहा है, उसको देखने दो इन आंखों से। और अगर इन आंखों से हमने देखने दिया मेरे भाई बहनों तो हम सही देखेंगे। आंख बदल जाती है और कुछ बदलता नहीं है, चेहरे तो ऐसे ही रहते हैं। मैं पीले कपड़े पहन लूं, बाल छोड़ दूंगा तो बढ़ ही जाएंगे, कोई जरूरी बाल बढ़ाने से हम कोई बाबा हो गए? वो तो कटाओ नहीं तो बढ़ ही जाएंगे। ये चीजें मिल जाए ऐसे नहीं होता, आंख बदलती है सिर्फ आंख, और आंख बहुत पक्की चीज है। आंख अगर देखना सीख ले एक अल्लाह को, वही एक मौजूद है, नाम कुछ भी रख लो आपकी मर्जी, भगवान कह लो, परमात्मा जो चाहो सो कह लो, आपकी पसंद है, लेकिन है वो एक ही। दो दिखाई पड़ेंगे तो अभी आंख देखना भूल गई, एक दिखाई पड़ेगा तो ठीक देख रहे हैं। आपको देखूं, आप दिखाई पड़ रहे हो तो ठीक दिख रहा है। और पूछना पड़े कौन सी जाति के हो, कहां से आए हो, क्या नाम है हे भगवान, तो कहां देख पाई आंख? आंख तो तब देखेगी जब हम ठीक देख पाए एक से। तो ये हमारी आंख बड़ी कीमती है, ये बदल जाती है। ओम भूर्भुवस्वः एक पहला कदम है उठाने का कि वो परमात्मा अकेला है। तत् सवितुः, वो सविता है। सविता क्या होता है? सविता माने होता है प्रकाशक, उत्पादक और प्रेरक। प्रकाशक माने वो सब जानता है, बताओ मत उसको कुछ, वो तुम्हारे बताने से पहले से जानता है। तत् सवितुः, वो जो भी है, जो एक है, वो सब जानता है, तुमसे पहले से जानता है, तुम बताओगे क्या कितना। इसलिए मांगना मत कभी उससे, बताने के चक्कर में पड़े तो गलती हो जाएगी, कभी कुछ मांगना मत, खड़े हो जाना उसके सामने। एक फकीर थे, रोज शाम को दुआ करते थे सोते समय, उनके साथ तमाम उनके शागिर्द भी थे 10-12, रात चलते थे आज यहाँ कल वहां। रोज शाम को सोने से पहले हाथ उठाते और कहते, अरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया इस बात का, जब हमें जब जो जरूरत होती है तुम दे देते हो, इसका शुक्रिया अदा करते थे। रोज का नियम था और सो जाते। एक बार ऐसा हुआ, दो दिन तक खाना नहीं मिला कहीं, लेकिन प्रार्थना तो चलती रही। तीसरे दिन जाड़े के दिन एक गांव में गए, गांव वालों ने कहा, बाबा हमारे यहाँ रहने की जगह भी नहीं है। अब बेचारे क्या करें, जाड़े के दिन खजूर के पेड़ के नीचे बैठे सबके सब, और फिर हाथ उठाए, प्रार्थना तो नियमित चलती थी, कहे मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया इस बात के लिए कि हमको जब जो जरूरत होती है तुम दे देते हो। बच्चों ने नहीं कहा कुछ, बच्चों की ओर देखा तो कहा, क्या किस बात का शुक्रिया अदा करूं, तीन दिन हो गया आज खाना तो मिला नहीं, आज जाड़े में छाया भी नहीं मिली, कौन सी जरूरत मेरी पूरी कर देता है जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूं। तो महात्मा जी ने कहा, बच्चे हमको ये भी तो पता नहीं है कि हमारी जरूरत क्या है, हमसे ज्यादा जरूरत का तो हमारी उसको पता है, हमारी जरूरत रही होगी तीन दिन भूखे रहने की उसको पता है, इसलिए उसको इंतजाम करना पड़ा कि इनको खाना ना मिले, इनकी जरूरत है, इसके लिए शुक्रिया तो अदा ही करना, आज जरूरत थी इस पेड़ के नीचे रहने की वो जानता था इसलिए उसने इंतजाम किया है, तो उस मुंतजिम को शुक्रिया तो अदा ही करना। ये क्या है? ये प्रार्थना, इसलिए वो जानता है सब कुछ, बताना मत कुछ उसको, वो खड़े हो जाना, उसके ही हो, उसी में से आए हो, इसलिए उसे उतरने दो। तो तत् सवितुः, वो सब जानता भी है और वो सब कर भी सकता है। एक परमाणु को भी घुमा रहा है, नचा रहा है अपने ऑर्बिट में, और ब्रह्मांडों धरतियों आसमान में भी वो चक्कर लगवा रहा है नक्तारों को। ये कौन है? उसी की ताकत से हो रहा है, इससे उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। तीसरा क्या है? वो कहीं से कुछ भी पैदा कर सकता है, यहां कुर्सी पे पानी की बोतल लाके रख सकता है, क्या वो कुछ भी? ये जो हाथ दिखाई पड़ रहे हैं ये हाथ किसी और के नहीं है, उसी के हैं।
देख पाओ तो देख लो उस हाथों में से उसका हाथ कहीं होगा जरूर, उस अनदेखे का हाथ है कहीं ना कहीं, तो वो मौजूद होता है, इसलिए वो कहीं से कुछ भी पैदा कर सकता है। तो ऐसा है वो स्वभाव उसका, वो जो एक है, इसलिए मंत्र कहता है तत्सवितु वरेण्यम, उसका वरण कर लो, उसको अपना बना लो, उसका हाथ में अपना हाथ दे दो, उसके हो जाओ, इससे बड़ी समझदारी और कोई समझदारी नहीं है। तुम दुनिया में कहीं भी हाथ पकड़ाओगे घाटे में रहोगे, और उसको हाथ पकड़ाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उसको हाथ पकड़ा दो, बस उसके बाद जिम्मेदारी बनती है। जब हाथ पकड़ा दोगे तब शादी हो गई, तब तब गर्भधारण होगा, ऐसे नहीं होगा भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग माने गर्भ, भर को उलट दो गर्भ हो जाता है, वो गर्भ धारण होगा तब, चुपचाप उसको संभालो, उस देवता का भर्ग तेज संभालो, धारण करो, और जब वो धारण हो जाए, कैसे धारण होगा, कैसे धारण होगा, बाहर से कैसे समझोगे धारण हो रहा है। अब अपनी तरफ से ऐसे कोई काम मत करना, ऐसे अब वो अपनी तरफ से ऐसा बोलना मत, ऐसा कोई देखना मत, ऐसा सोचना मत जिसके उसकी होने के कारण उसको शर्मिंदा होना पड़े, मैं उसका हूँ, हाथ पकड़ा दिया, तो ऐसे काम मत करना कि मेरी वजह से वो अपना मान चुका है तो शर्मिंदा हो जाए, बस इतनी सी शर्त है और कोई शर्त नहीं, भर्गो देवस्य धीमहि, बस इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, इतना कर लोगे जिस दिन पूरे हो गए, साधना है ये, तो सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे तब, तब तुम में से तुम पैदा होगे, तब क्या होगा, धियो योना प्रचोदयात, धियो योना, धियो माने बुद्धि, यो माने जो, ना माने हमारी, प्रचोदयात माने प्रेरित करे, तब वो तुम पर उतरेगा, ये रास्ता है उतारने का, उसको तुम पर उतरेगा, इतना कर लोगे तब, ये जब गर्भ धारण करोगे तब बच्चा पैदा होगा, और तब वो उतरेगा तब क्या होगा, अरे बाबा होगा क्या, जिंदगी सार्थक होगी, होगा क्या, उतने खुश कभी नहीं हुए होंगे जितना होंगे, ये आंख होगी हमारी, लेकिन इस आंख में से देखेगा वो, जवान होगी हमारी और बोलेगा वो, फिर वो कहेंगे वो कुरान उतर आई, आपकी जबान से क्यों नहीं उतरती, आपने दिया नहीं इसको, इसलिए अगर वो जवान दे देते तो उसमें से उतर आती वो, धियो योना प्रचोदयात, हाथ तुम्हारे होंगे ताकत उसकी होगी, मन तुम्हारा होगा संकल्प उसके होंगे, फिर देखने में तुम दिखाई पड़ोगे, होगे नहीं होगा वो, ये सार्थकता है हम सबके जीवन की, भगवान करे ये पूरी हो, और तब शांति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अगर हम एक एक कदम उठाएं, भी संख्या कम है, थोड़ा दो चार दस बढ़ती जाएगी रोज रोज, एक चिराग जले, दूसरा जले, तीसरा जले, फिर उजाला हो जाएगा, फिर लोगों को लगेगा अभी तक जो करते रहे छीनने झपटने की बेवकूफियां, वो बेवकूफी थी, खुद को भी दुखी करती थी और हम भी दुखी होते थे, दुनिया भी दुखी होती थी, इसलिए संभालो, अपने आप समझ जाएगा। ये महाशांति सम्मेलन एक बार फिर से हमको करीब लाए, हम उसके करीब जाएंगे तो सब करीब आएंगे, उससे दूर जाएंगे तो हम सब दूरियां बढ़ेंगे, वही है जड़ जिसमें से हम सब आए हैं, उस मूल की ओर चलो, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए, बस फूले फले, चाहे आप जिस रास्ते से, ऐसा नहीं पीछे मत चलना, ऐसा मत मैं सोचना कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे बतावे, नहीं अपने रास्ते पे चलना। दुनिया में अभी तक सबसे जो अजूब बात है, अजीब बात है, वो यही अजूबा है कि कोई किसी को बताते बताते थक जाए और बता नहीं पाता, वही एक ऐसी चीज है जो बताई नहीं जा सकती, अगर बताई जा सकती होती तो इतना बता रहे हैं लोग, इतने ज्ञानी लगे हैं, अब तक सब जान गए होते, बताने से नहीं जानोगे, बताने से अगर तुमको प्यास भर पैदा हो जाए तो बहुत है, तलाश तो अपने आप करोगे, सागर है कहाँ, वो तो खुद से ही जानना पड़ेगा। पदचिन्ह नहीं बनते, रास्ता नहीं बनता, पिछलग्गू मत बनना किसी के, तुम अकेले हो, अकेले पैदा हुए हो, अकेले अपनी जिंदगी में सुख और दुख झेल रहे हो, तुम्हारा कोई शेयर नहीं कर रहा है तुम्हारे सुख दुख में, अकेले ही झेलना पड़ता है और मरोगे भी अकेले ही, इसलिए अकेले हो, अपने ऊपर अपनी नजर रखो, दूसरे की तरफ बहुत कम देखो, खुद को संभालो, खुद को चलो, क्योंकि हवा पे चिड़िया उड़ती कहीं रोड नहीं बन जाती, पगडंडियां नहीं बन जाती, ऐसे ही ये अनजाने रास्ते की तरफ चलना है जिसमें सभी को चलना है, रास्ते नहीं हैं, खुद से ही चल चल के रास्ता बनाना पड़ेगा, अपने कदमों से बनाना पड़ेगा, हिम्मत करो, जैसे सब ने बनाया, हमारे पीछे आने वाले लाखों हुए हैं, लाखों पैगंबर हुए हैं, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, कोई किसी के पीछे नहीं चला है, अरे उनको देखो, हिम्मत पैदा करो, तुम भी चलो, रास्ता बनेगा। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत ध्यान से सुना आप सभी को।